पीपी, OTQ बैंक, ये यहां से करते हैं। विच द फॉलोइंग कॉस्ट हैव अराइजन इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड? प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट लाइफ डिजाइन साइकिल कॉस्ट, कॉस्ट, प्लानिंग एंड टेस्टिंग, कंसेप्ट डिजाइन, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट आता है क्या? तो ईयर जीरो में आता रहेगा ना। तेरे पास ऑप्शन भी नहीं है ना वैसा कि तू कोई सिलेक्ट कर सकता है टेस्टिंग कॉस्ट के बिना, बस यस ये मेक थ्री बचता सेंस। है। पर डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस कॉस्ट और प्लानिंग वगैरह तो है, मैं तो ऑल ऑफ द अबव प्रोडक्शन आंसर है। कॉस्ट ऑप्शन देख के आंसर देता है भाई, अरे वैसा थोड़ी तो भाई, मेरा अभी नहीं। मेरे को लग रहा है कि सब है भाई, ऐसा थोड़ी ये ऑप्शन देख के, क्या ऑप्शन देख के, ऑप्शन के आंसर तो सही आता है ना भाई, ये क्या बात हो गई। भी लेट्स गो, ऑल ऑफ द अबव आंसर है। अभी इसमें क्या, अभी ये आंसर देखता है बच्चों। प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल कॉस्ट आर इनकर्ड फ्रॉम इट्स डिजाइन स्टेज टू डेवलपमेंट टू मार्केट लॉन्च, प्रोडक्शन एंड सेल, एंड फाइनली टू इट्स इवेंचुअल डिक्लाइन एंड विड्रॉवल फ्रॉम द मार्केट। कहाँ से पढ़ रहा है? अच्छा यहाँ पे लिखा हाँ हुआ ठीक था। है। हाँ, मैं नेक्स्ट, जूम किया था, दिख रहे नहीं था। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एनवायरमेंटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट? ये तेरा फेवरेट है। फेवरेट फेवरेट कौन सा क्वालिटी इंटरनल? कंट्रोल इंस्पेक्शंस टू मॉनिटर पॉल्यूशन लेवल्स इन वाटर लीविंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये ये इंटरनल है। डिटेक्शन कॉस्ट है मेरे को लग रहा है। ओ हाँ, मॉनिटर है, डिटेक्शन है, भूल गया। वाटर प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट टू क्लीन वेस्ट वाटर बिफोर इट लीव्स, ये इंटरनल है। ये प्रिवेंशन नहीं, एक मिनट ना। हाँ, वाला बिफोर इट लीव्स है। ओके। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। फिटिंग ऑफ कार्बन फिल्टर्स टू मशीन प्रोसेस टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, अभी ये क्वेश्चन किया है अपन ने एक कैप्लान में है ये गाइस। शायद कैपलान में किया था। हाँ, थोड़े बहुत सेम भी स्किप हो जाते स्किप, हैं कई बार, बट ठीक है, ये ये प्रिवेंशन प्रिवेंशन है। है। पावर पावर यूसेज मेजरिंग सिस्टम टू मॉनिटर एनर्जी कंजम्पशन विद इन द फैक्ट्री, मॉनिटर मतलब वापस डिटेक्शन हो गया। डिटेक्शन। पेमेंट ऑफ फाइन्स फॉर ब्रीचिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इन द इंडस्ट्री, ये तो एक्सटर्नल हो गया। बराबर, इंसुलेशन ऑफ हीटिंग पाइप्स इन द फैक्ट्री टू रिड्यूस हीट, प्रिवेंशन। ये है शायद। नहीं, प्रिवेंशन है ये। कार्बन हाँ बराबर, थ्रू बराबर, ये भी वैसे ही है, कार्बन एमिशन की तरह थोड़ा डाल रहा है इसको अंदर। पब्लिक रिलेशंस कॉस्ट टू रेमेडी रेपुटेशनली डैमेज कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल रिवर पॉल्यूशन, तो एक्सटर्नल हो गया ना। तो फिर लास्ट ही बचता है, कैप्चरिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एग्जॉस्ट गैसेस टू जनरेट एनर्जी। तो ये हो गया। फर्स्ट और लास्ट। वाटर प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट टू क्लीन वाटर एंड कैप्चरिंग, बराबर। लेट्स गो आगे। वन ऑफ द फर्स्ट और प्रोडक्ट्स लास्ट गलती से मैन्युफैक्चर्ड बोला, बाय, क्या क्या बोला? फर्स्ट और लास्ट गलती से बोला। हाँ, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनीज प्रोडक्ट एक्स विच सेल्स फॉर 40 पर यूनिट एंड एज अ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट एंड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 7 पर यूनिट। द टोटल डायरेक्ट लेबर ठीक है, बजट फॉर दिस ईयर इज 50,000 आवर्स ऑफ लेबर टाइम एट कॉस्ट ऑफ 12 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 29,20,000 पर ईयर। द कंपनी इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। इट हैज आइडेंटिफाइड दैट मशीन टाइम इज द बॉटलनेक इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्स नीड्स 0.01 आवर्स ऑफ द मशीन टाइम पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर मशीन टाइम इज 4,000 आवर्स पर ईयर। व्हाट इज द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो? अरे भाई साहब,
अरे वाह, प्रोडक्ट एक्स। चल ठीक है, तेरे को तेरा थ्रूपुट तो मिल जाएगा जो है 30 बराबर है। बराबर। तेरे को तेरा क्या बोला हुआ, टोटल डायरेक्ट लेबर बजट है 50,000 आवर्स ऑफ लेबर टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ 12 पर लेबर आवर। क्या था फैक्टर थ्रूपुट रेशियो के लिए, क्या था रिटर्न का फॉर्मूला, क्या था थ्रूपुट पर यूनिट अपॉन प्रोडक्ट टाइम इन द बॉटलनेक रिसोर्स। हाँ, प्रोडक्ट का टाइम इन बॉटलनेक रिसोर्स कैसे मिलेगा? बॉटल नेक अपने को क्या बोला है, मशीन टाइम इज द बॉटल नेक। प्रोडक्ट एक्स नीड 0.01 आवर्स ऑफ मशीन टाइम पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। मिल तो गया 0.01 आवर। वही है हाँ ना, 0 पॉइंट में आएगा तो मैं थोड़ा श्योर नहीं था। ठीक है, रिटर्न रिटर्न कितना है पर? थ्रूपुट पर फैक्ट्री आ रहेगा 30 डिवाइड बाय 0.01। अरे मैं प्रोड्यूस कितने यूनिट्स कर रहा हूँ? नहीं कॉस्ट पर फैक्ट्री आपको शायद मिल भी जाएगा। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो दिया गया है 29 है। 20,000 डिवाइड बाय टोटल बॉटल नेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल। द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर मशीन आज वही है ना, बॉटल नेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल ठीक है, 4,000। सेवन थर्टी आ गया मेरे को, मेरा डिनोमिनेटर ऊपर आ गया 30,000। तो 3,000 डिवाइड बाय 730 मेरे को आता है 4.11। सेम वही लग रहा है मेरे को भी। देख, वो थ्री कितना बड़ा पॉइंट फोर एक्सपेंशन वन है, किधर गलत गया? 3,000 भी अपना बराबर था। डिनोमिनेटर में 50,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 12 करना था। नहीं सर, नहीं 12 क्यों किया? नहीं ऐड किया उन्होंने 3,000 × 12। लेबर को भी ऐड किया वो लोग ने, डायरेक्ट लेबर हाँ शायद बोला गया था ना सर ने कि वो फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम करता है उसको भी अपने को वो भी फैक्ट्री, ऐड कर, तो शायद वो भी बोला गया था सर ने राइट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में वो भी आता है। ओके। ठीक है ठीक है, तो फिर 3.41 आ जाएगा, मतलब अगर वो पता रहता तो आप। देखो ये अपना सेक्शन है, होने के बाद तेरे हेडफोन का प्राइस बताना, बाद में बात करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग MFCA ट्रू और फॉल्स? इन मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग वेस्ट इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव प्रोडक्ट एंड गिवन अ कॉस्ट। मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग शुड एनकरेज मैनेजमेंट टू फोकस ऑन वेज ऑफ अचीविंग सेम अमाउंट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट एज मटेरियल इनपुट। नहीं जरूरी नहीं है। शायद फॉल्स आएगा।
वेस्ट का तो बराबर वापस पढ़। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रू और फॉल्स? इन मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग वेस्ट इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव प्रोडक्ट एंड गिवन अ कॉस्ट। नहीं नहीं ना, नहीं मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग शुड एनकरेज सॉरी मैनेजमेंट टू फोकस ऑन वेज ऑफ अचीविंग द सेम अमाउंट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट विथ लेस मटेरियल इनपुट। आई डोंट थिंक, मेरे को ये वाला फॉल्स लग रहा है, मेरे को ऊपर वाला एक्चुअली ट्रू लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। कैसे? तो याद है हमने शायद एक सम किया था जिसमें वेस्ट नेगेटिव में था। सॉरी था चेक करना है कर। ओ, दोनों ट्रू है। फोकस अकॉर्डिंग एंड शुड एनकरेज मैनेजमेंट टू फोकस ऑन वेस्ट ऑफ अचीविंग द सेम अमाउंट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट विद लेस मटेरियल इनपुट। इन MFCA अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन फिनिश्ड गुड्स आउटपुट एंड वेस्ट एंड एमिशंस नेगेटिव आउटपुट। बोथ टाइप आउटपुट आर गिवन अ कॉस्ट। परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फाइंडिंग वेस्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव आउटपुट एंड सो अचीव द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट एज द एंड विथ लेस इनपुट मटेरियल्स। ओ भाई मैंने गलत पढ़ लिया। मैंने गलती से पता है क्या पढ़ा, मैंने पढ़ते टाइम इसको ऐसे पढ़ा कि टू अचीव सेम अमाउंट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट एज द मटेरियल इनपुट। मैंने विथ लेस मटेरियल इनपुट पढ़ा ही नहीं, मैंने गलती से पढ़ते टाइम मिस्टेक कर दिया। मुझे लगा था कि ब्रेक इवन करते हैं ये लोग ऐसा, तो वो मैंने फॉल्स बोल दिया। बट फिर भी मेरे को नहीं आता, मैं तुक्का ही मारता फिर भी। बट ठीक है, Which of the following statements about activity-based costing is true? The cost driver for quality inspection is likely to be batch size. No, not necessary. The cost driver for materials, handling and dispatch was likely to be number of orders handled. हाँ मे बी। इन द शॉर्ट रन ऑल द ओवरहेड कॉस्ट फॉर एन एक्टिविटी वैरी विद द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर फॉर द एक्टिविटी। द कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी लास्ट बेस्ड। वाला सबसे बेस्ट है भाई। अ कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। वो सबसे फालतू पॉइंट है, उसका जरूरत ही नहीं है। ए और डी तो गलत है, बचा बी और सी। मेरे को बी वाला द कॉस्ट ड्राइवर फॉर मटेरियल्स हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट आर लाइकली टू बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड। मटेरियल्स हैंडलिंग के लिए और क्या होगा, बैच साइज। ये थर्ड वाला भी, इन द शॉर्ट रन ऑल द ओवरहेड्स नहीं, ऑल द ओवरहेड कॉस्ट फॉर एन एक्टिविटी वैरी विद द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर फॉर द एक्टिविटी। वो ज्यादा ट्रू लग रहा है, बट वो ऐसा इन द शॉर्ट रन क्यों बोले मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो शॉर्ट रन के लिए रहता है ना, वो ठीक है, या मतलब सालाना रहता है तो वो ठीक है। तू एक ले मैं एक लेता हूँ, बता क्या करने का है। ठीक सी बोल रहा है, मैं चल बी बोलता हूँ। द कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट इज लाइकली टू बी
नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल बी आंसर है, पढ़ लेते हैं क्यों। The cost driver for quality inspection is likely to be batch size, incorrect. The cost driver for quality inspection cost is likely to be either the number of units produced or the number of batches produced, depending on whether the quality inspection is linked to batches produced or total production output. The batch size is not a factor that that drives total inspection cost. In the short run, all overhead cost for an activity will vary with the amount of cost driver for an activity is incorrect. Some cost of activities may vary with the volume of the activity, but other costs of an activity will be fixed. Okay, some cost value, zyada nahi honge. The cost driver is not the cost itself, it is measurement. Haan, wo toh pata hi tha. Fourth wala galat hai. बी वाले में सारे कॉस्ट वेरी नहीं करेंगे, थोड़े से कॉस्ट वेरी करेंगे ऐसा बोला है, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोसेस दैट सॉरी दैट पासेस इट्स प्रोडक्ट टू फोर प्रोसेसेस एंड इट्स करेंटली ऑपरेटिंग एट द ऑप्टिमल कैपेसिटी। भाई साहब ये क्या है, प्रोसेस है वॉशिंग फिलिंग चॉपिंग लेबलिंग प्रोडक्ट डेटा ये सब दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोसेस बॉटलनेक। भाई मेरे को थ्रूपुट बिल्कुल भी नहीं आता, बॉटलनेक निकालना बिल्कुल भी नहीं आता मेरे को, ये करने गए ठीक है करते हैं। देख मैं अगर सबसे लेमैन बोलूंगा ना आंसर, तो लेमैन में तो यही लग रहा है कि देख सबसे पहला बॉटल ने कहा था 1.5 मिनट्स का चॉपिंग या टैपिंग में, क्योंकि 6 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं। वो नहीं, अपने को रैंकिंग करने का रहता है ना इसमें, और अपने को हिसाब से करने का रहता है, बराबर है तो थ्रूपुट तो निकल जाएगा, 4.42 मिल गया थ्रूपुट, ठीक है। तो मेरे को 6 मिनट लग रहा है, मेरे को 3 मिनट लग रहा है, तो वो 1.5 मिनट लग रहा है, मेरे को यहाँ पे 2 मिनट लग रहा है। मशीन आवर्स अवेलेबल, अमी क्या करना क्या करेगा, मेरे पास एक यूनिट बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, 6 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट्स। मेरे पास मशीन आर अवेलेबल ही 1200 700 और ये सब है। अब भले मैंने मैंने बोल दिया कि मैं थ्रूपुट से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन थ्रूपुट तो सेम है 0.42। अब अगर मैं सबको 0.42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फायदा, 1.5 जो इंटू 0.42 वही होगा सबसे लोएस्ट, दैट वोंट चेंज। टाइम पर डजन यूनिट्स बराबर, अबे डजन बोला है तो और अपने पास नहीं यूनिट्स बोला है क्या कुछ नहीं ना, यूनिट ही तो नहीं है, वही तो दिक्कत है।
और ये मशीन आर्स अवेलेबल है। रैंकिंग करके तो आई डोंट थिंक सो निकाल सकते अपन। कैसे करेगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे को तो नहीं आता ये थ्रूपुट जेन्युइनली। कोशिश सॉफ्टवेयर करता हूँ हमेशा। प्रोडक्ट्स थ्रू फोर प्रोसेसर इज करंटली ऑपरेटिंग। शर्मा अपने को यूनिट से नहीं दिया है एक तो ये लोग ने, यूनिट वही तो। छोड़ के सब है। बता तेरे को आता है तो बता, नहीं वरना अपन एक एक कोई तो लेते और आगे बढ़ते। 120 रुपया सर्वर 60 सॉरी 72 मिनट्स। अभी मैंने एक गंदा सा लॉजिक लगाया। ठीक है 1200 घंटे अपने पास, 1200 घंटे को बराबर। मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया, 72,000 मिनट्स आ रहे हैं। ओके ठीक वाह। है, तो 72,000 मिनट्स को अपन डिवाइड बाय 6 करेंगे तो अपने को यूनिट्स मिलता है 12,000। ओ भाई पर तूने यूनिट्स लेके अब तेरे को फायदा क्या? अब तो ये तो यूनिट्स अपने को पास अपन जो अवेलेबल ये तो अपने पास जो अवेलेबल आर्स है उसके ऊपर से यूनिट निकाला है। तो अब तेरे को तेरे इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए। अब तू बोल रहा है कि अब तू अगर नंबर अभी ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेगा 0.42 सेकंड के का साथ। नहीं 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 0.42 के साथ कुछ नहीं करना है अपने को। सेकंड वाला भी 700 है उसको भी हाँ सेम कर, इंटू ठीक है। सिक्सटी 42,000 डिवाइड बाय थ्री ओके डिवाइड बाय इसका थ्री है। 14,000 बन रहा है। ओ भाई साहब ओके। ओ फर्स्ट वाले डायरेक्ट फर्स्ट वाला ही ओ डायरेक्ट क्रेजी बॉटल में वॉशिंग। भाई क्रेजी क्रेजी। ओके एक मिनट एक मिनट, तो वॉशिंग रुक ही आ रहा है रुक फिर तो। हाँ वही पता ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं। आगे नहीं बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है टॉपिक आगे का भी क्यों बढ़ना है निकालना अगर है, देखो पर वॉशिंग ही आ रहा है तो टू वो तो तेरा एक हो गया ना। अब अगर तेरे वॉश फिफ्टी एक इंटू मिनट फर्स्ट एक मिनट, टॉपिंग स्टेप में देखो आ का रहा भी है। तो कर। टॉपिंग का जरा एक बार तो कर। टॉपिंग है क्या है वो? कैपिंग 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 टू 10,000 आ रहा फिफ्टी है एंड टू सिक्सटी। तो अभी वो तेरा आ गया ना यार बॉटल नेक छोटा कम, मतलब हाँ मेक उसको। सेंस मेक सेंस, क्योंकि कम प्रोडक्ट से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो अपन अवेलेबल वाला निकाल रहे हैं ना वैसे भी। हाँ, हम कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं बराबर है। 12,000 14,000 10,000। अभी लास्ट में हम फिर से एक बार लेते हैं लेबलिंग के लिए। 450 इंटू 60 विच गिव्स यू 00 3 कितना देते हो? 13 ट्वेंटी सेवन थाउजेंड डिवाइड बाय 2 मिनट्स, मतलब तेरे को आता है 13,500। तो तेरे को आ गया हाँ 13,500। तो तेरा आता है 10,000 ही तेरा सबसे लोएस्ट है। टीचेस कैपिंग, और वो तेरा और जो ऑप्शंस सबसे में भी है, और जो पहले ही दिया है बट ऑप्शंस में भी है वो आंसर। तो करना है क्या? कैपिंग को लॉक। करो देखते हैं सबसे फर्स्ट है तो मतलब गलत ही रहेगा। कैपिंग नहीं, मेरे को कैपिंग तू ना कैपिंग 10,000। हाँ ओ भाई लेट्स गो। ओ भाई 10,000 ओ भाई। ओ सेम किया इतना गंदा लॉजिक भाई कुछ भी लगाया था मैंने कुछ भी। नहीं तूने सही भाई, वो सबसे सही लॉजिक लगाया था तूने। तो तूने क्या किया, तूने बेसिकली तेरे पास नंबर ऑफ आवर्स थे, तूने इस चीज को मिनट्स में लेके गया। तो जब तेरे पास 1,200 थे तो तू इस चीज को मल्टीप्लाई करके मिनट्स में लेके गया, तो तेरे को आ गया 7,200 मिनट्स बराबर है। अब तेरे पास तू एक यूनिट बना रहा था 6 मिनट में। अगर तेरे पास टोटल 72,000 मिनट्स है तो तू टोटल मिनट्स कितने बनाएगा? तो तूने बेसिकली इसको किया डिवाइड बाय 6 मिनट्स,
सो यू गॉट 12,000 यूनिट्स भाई, क्रेजी भाई. और ये चीज सबके लिए उसने की, पर लास्ट में चॉपिंग में कैपिंग या जो भी है वो चीज, उसको उसको 10,000 आया भाई, क्रेजी भाई. और अगर अपने को स्टार्ट में 10,000 आता था तो 10,000 से सबसे छोटा जो रहता था उसको रखते थे ना अपन बराबर बराबर, बटन नेक। परफेक्ट यार, परफेक्ट. लेट्स गो भाई. इफ द कंपनी, अभी नेक्स्ट वन, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस मशीन सी व्हिच इज ऑपरेशनल फॉर 5 इयर्स, 5 आवर्स अ डे. क्या पढ़ रहा हूँ आजकल मैंने पता क्या पढ़ा, 5 इयर्स अ डे. मैं एक मिनट, 5 इयर्स अ डे, आवर्स अ डे, क्या आवर्स अ डे. तो मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट्स एक्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. द फैक्ट्री कॉस्ट आर 1,50,000 पर डे. द कंपनी यूजेज थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. ठीक है. इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन सीज ऑपरेशनल आवर्स, वॉट इज द प्रोडक्शन रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट वाई. ओके, तो प्रोडक्शन ये कौन सा था, है इधर हमें नॉट एबल टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन सीज ऑपरेशनल आवर्स, तो मेरी रैंकिंग क्या आएगी. इसमें वो था ना कि वी कैन नॉट यूज कन्वर्जन कॉस्ट, वी ओनली हैव टू यूज द थ्रूपुट टू रैंक द हाँ प्रोडक्ट, हाँ है ना. तो राइट यस वाई का थर्ड आता है मेरे लिए रैंकिंग. रुको इतना प्रोडक्शन इजी रहेगा क्या? रेट पर इसमें वो जो यूनिट्स है वो भी कुछ काम का नहीं है ना। यूनिट जो दिया है पता नहीं ना, मेरे को तो वही लग रहा है कि क्या हम थ्रूपुट निकालने के बाद यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, है क्यों ना. नहीं यार, देखो देखो रैंकिंग करना है ना बस। तो पहले इसका था 230, फिर 95, 110, 130। हाँ थर्ड आ रहा है फिर। मेरे को लग रहा है कि शायद हम मल्टीप्लाई करेंगे रे. मुझे एक सम याद आ रहा है जहां पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था. यूनिट्स के साथ हाँ थ्रूपुट को अच्छा हाँ तो ऐसा होगा। फिर मेरे लिए थर्टी लास्ट फाइव आता है, फोर्थ आता है फिर मेरे लिए आंसर. क्या किया तूने? यूनिट्स को थ्रूपुट के साथ रुका एक सेकंड। सजेनी फोर्थ आता है मेरे लिए आंसर. आंसर इज फोर्थ. लेट्स गो. फोर्थ ओ सॉरी भाई, कैसे गया वही तेरे को ऐसे आ गया ना फिर, तेरे को प्राइम खाली मल्टीप्लाई करना है थ्रूपुट को यूनिट्स के साथ. तो क्लास वगैरह नहीं किया मैंने। 27 हाँ आ गया फोर्थ बराबर है सबसे कम। फोर्थ. यस यस
लेट्स वही, गो ये तो देन। पता नहीं था फिर यूनिट्स के साथ करने का। कितना है वैसा? हाँ चलो ठीक है, 46 तक करते हैं। विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग आर करेक्ट? नो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड्स कैन अकर अंडर एबीसी। एबीसी इज यूजफुल फॉर बिजनेसेस विच हैव हाई ओवर हेड्स इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो ये हमने पहले किया हुआ है। किया है ना आई गेस। शायद ये वाला, पर तो कर लेते हैं फिर भी। एबीसी इज नॉट सूटेबल फॉर यूज इन बिजनेसेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज। फॉल्स। ये वाला फॉल्स है। ऊपर वाला भी फॉल्स है क्योंकि एबीसी इज यूज फॉर स्मॉल ओवरहेड्स विद कंपनीज, ऐसा रहता है ना वो। यस, मार्जिनल कॉस्टिंग नो ओवर अंडरस्टे। हाँ अब्सॉर्प्शन। पढ़ 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 तू पढ़ मैं पढ़ फर्स्ट तू वाला पढ़। पढ़ रहा था, नो ओवर अब्सॉर्प्शन और अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कैन अकर अंडर एबीसी। शायद देख, ऐसा हो सकता है। गलती तो इंसान से होती है, मैं तो ये बोलूंगा। एक मेथड से तो हो ही सकती है, तो आगे बढ़ते हैं बात को। सर मार्जिनल कॉस्टिंग अंडरस्टेट्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन कंपेयर टू एबीसी। जीरो नो आइडिया। आइडिया। एबीसी इज बेटर देन अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इन अंडरस्टेटिंग व्हाट कॉजेस कॉस्ट टू बी इनकर्ड। हाँ ये बात तो सच है, कॉस्ट ड्राइवर होता है ना वो, डालता है। बोथ एबीसी एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट ऑल फिक्स्ड कॉस्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट। हाँ क्या फिक्स्ड कॉस्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट था ना। अगर तू ये बोल देता है ना तो शायद मैंने ये लास्ट टाइम भी शायद ये लाइन बोली थी, लेकिन वो गलत हो गया था क्या? फिर कि अगर तू क्या ये वाले लाइन को सिलेक्ट करता है तो तू वो सर्विस वाले लाइन को के साथ अप्रूव नहीं करता, समझा? ट्रू फॉल्स पूछा है कि ट्रू पूछा है, पूछा है करेक्ट पूछा है। मेरे को तो सही लग रहा है फिर। ये एबीसी एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि हाँ, वो तो लेबर शायद तो बोला था ना, इसका रीजन क्या था? लेबर का उसका था, भूल गया। नो ओवर एब्जॉर्प्शन और और एक अंडर कौन सा एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कैन अकर अंडर एबीसी। मेरे को ये वाला सही लग रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग अंडर स्टेट्स, क्योंकि अगर एक कॉस्टिंग अंडर स्टेट करता है इसीलिए एबीसी इतना एक्यूरेट जजमेंट देता है ना। मेक सेंस। करे आंसर ठीक है, चेक। तो वो भी राइट आ गए। आंसर है एबीसी इज यूजफुल फॉर बिजनेसेस हैव हाई ओवरहेड्स इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। मार्जिनल कॉस्ट अंडरस्टेट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ द, वो बराबर है। एबीसी इज अ बेटर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग विद व्हाट कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड। तो अपना ये गलत चला गया, बोथ दो मार्जिनल एंड बराबर ट्रेड फिक्स्ड को, ये तो गलत चला गया। ये है अच्छा, हाई कैसे भाई। बिजनेस ओवरहेड्स। ये यार लास्ट टाइम जब अपने चेक किया था उस टाइम पे लो ओवरहेड्स था ना। डोंट रिमेम्बर, आई गेस लो था। याद है वहां तक लो था, बट ठीक है एक गलत चला गया, उसके वैसे 0 मार्क्स। जीरो मार्क्स। When activity based costing is used for environmental accounting, which statement is correct for environment related cost and environmental driven cost? Environment related cost can be attributed to joint cost centers and environmental driven cost cannot be. Environment driven cost can be attributed to joint cost centers and environmental cost cannot. 1 minute. डिफरेंस क्या है? अच्छा एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट एंड एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट। ओके ड्रिवेन का
Both environment related cost and environment driven cost can be attributed to joint cost centers. Neither environmental related cost nor environmental driven cost can be attributed to joint. पहली बात क्या कंफ्यूज कर रहा है भाई, जॉइंट कॉस्ट सेंटर ये क्या है? क्या है? मुझे लगता है ये कॉस्ट ड्राइवर रहेगा शायद, जॉइंट कॉस्ट सेंटर हो सकता है। कैसे वो मतलब वो हो रहा है कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट वैसा रहे। तो मेरे को बोथ लग रहा है, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली ये सम से आगे बढ़ने का बहुत मन कर रहा है, मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मैं बोथ के मैं नेदर बोलता है फिर, ठीक है लेट्स गो। आंसर इज कितना बड़ा बड़ा एक्सप्लेन कॉस्ट कैन बी एट्रिब्यूटेड टू जॉइंट कॉस्ट सेंटर एंड एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट कैन नॉट बी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन एज एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट आर एलोकेटेड टू जनरल ओवरहेड्स नॉट जॉइंट कॉस्ट सेंटर्स। अच्छा अरे हाँ, कॉस्ट सेंटर्स क्या है? मैंने पढ़ा था, पता है कि एनवायरमेंट के जो कॉस्ट रहते हैं वो छोटे छोटे वॉल्यूम्स में बाकी सारे कॉस्ट में एड अप हो जाते हैं। ये एक लाइन थी हाँ फेसबुक में, मैं हाँ बता रहा हूँ हाँ तेरे को, मैं तेरे को बता भी सकता हूँ कि क्या। ये देख पेज नंबर 127, एबीसी कॉस्टिंग में, और तू मैं चाहता हूँ कि तू वो चीज पढ़े जोर जोर से। थर्ड वन ट्वेंटी सेवन थर्ड पॉइंट, मेरे में 127 में कुछ अलग ही है। द यूनाइटेड नेशंस डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा एक मिनट, चैप्टर नंबर 4 पता है ना, वही वही खुला है ना। हाँ यस हाँ तो उसका 18th पॉइंट देखना, ईएमए है क्या? ईएमए एडवांटेजेस एंड एंड डिसएडवांटेजेस, 18th पॉइंट 17th पॉइंट है ईएमए। ईएमए टेक्निक्स है ना, तो ईएमए टेक्निक्स में थर्ड पॉइंट देख, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हाँ पढ़। ABC allocates internal cost to cost centers and cost drivers on the basis of the activities that give rise to the cost. In an environment accounting context, it distinguishes between environment related cost, which can be attributed to joint cost centers, and environment driven cost, which tend to be hidden on general overheads. ये मैंने नहीं पढ़ा था, तूने पढ़ा था। एग्जैक्ट लाइन है वो। हाँ मैंने मैंने ये चीज पढ़ी थी, और ये पता है कैसा था कि जो एनवायरमेंटल के जो कॉस्ट रहते हैं ना वो छोटे छोटे, यानी कि समझ ले प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या फिर जैसा अपन ने वो क्या बताया पेपर इंक वाला सम, तो मतलब पेपर और इंक में थोड़ा 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 मार्जिन में वो एनवायरमेंटल रहता है, उन्होंने वो छुपा के दिया रहेगा कॉस्ट, ऐसा रहता है वो। ओके जनरल ओवरहेड्स में हिडन रहते हैं ड्रिवन वाले, ठीक है ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। माफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तेरे वाले में पेज नंबर कौन सा था वैसे? 189 का शायद। नहीं तू कौन सा बोला था? मैं 127 बोला था, मेरे मेरे 127 सॉरी सॉरी पेज 129 था शायद। 129 था, ठीक है आगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मे बी यूज टू सेट प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन नॉट, नॉट नेसेसरी। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेंड्स टू एलोकेट टू मेनी ओवरहेड कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स एंड नॉट इनफ ओवरहेड्स टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। इम्प्लीमेंटिंग एबीसी इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। हाँ भाई ये तो सच है, बराबर ये तो सच है। अगर ये सच है एग्रीड। तो ए और डी गया। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मे बी यूज टू सेट प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट्स बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन नॉट, कैन नॉट ही बोल दिया बंदे ने, औकात ही नहीं एबीसी है। नहीं रे गलत है, क्यों नहीं कर सकता ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेंड्स टू अलोकेट
too many overheads cost to low volume products and not enough overheads to high volume products. तो एबीसी को यूज ही नहीं कर सकता कॉस्ट निकालने के लिए अगर तेरा सेलिंग प्राइस निकाल पाए. ये तो गलत है ना. से मेरे को और थ्री मेरे लग को रहा लग है. रहा है बोल बोल. तू थ्री सिर्फ थ्री लग रहा है बोल रहा है ओनली थ्री लग रहा है मेरे को. लग रहा है दोनों में से एक तो रहेगा उसके वजह से 1 2 3 बोलने वाला था कौन सा बात तेरे को लग रहा है कि ये सही रहेगा सेंटेंस? वो सेकंड वाला लग रहा है. रेशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेंड्स टू एलोकेट टू मेनी ओवरहेड कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स एंड नॉट इनफ ओवरहेड्स टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स. मैं समझा ही नहीं. बट नहीं वॉल्यूम का नहीं फर्क पड़ता ना. चल ठीक है बीबी ओनली थ्री. एबीसी इज यूज देखो फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्टिंग टेंड्स टू एलोकेट इनसफिशियंट ओवरहेड कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स दैट यूज अप अ डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर हैंडलिंग फॉर ऑर्डर हैंडलिंग प्रोडक्शन रन एंड सेटअप्स. ये तो मेरे को सेंटेंस समझा ही नहीं है एक्चुअली इनका. से कैन बी यूज्ड फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ट्रेडिशनल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग टेंड्स टू अलोकेट इनसफिशिएंट ओवरहेड्स कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स दैट यूज अप अ डिसअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम और फॉर ऑर्डरली हैंडलिंग प्रोडक्शन रन्स एंड सेटअप कॉस्ट सेटअप्स. एबीसी इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. हाँ ये तो ठीक है. अरे वो वही बोल रहा है कि एबीसी बराबर से अलोकेट करता है और ये ट्रेडिशनल वाला अगर एक अभी समझ तीन प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें से एक का एकदम लो वॉल्यूम रहेगा प्रोडक्शन का तो वो उसमें बराबर अलोकेट नहीं होता है उसका ओवरहेड्स. उसको भी फुकट ओके ज्यादा ओवरहेड्स देना पड़ता है ओके. तो उसके वजह से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है वैसा है. हाँ वॉल्यूम का मैटर करता है एबीसी में, लेकिन वो हाई वॉल्यूम को पहले बनाता है. ट्रेडिशनल सॉरी. हाँ ट्रेडिशनल में ठीक है सही है. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रू और फॉल्स? मेजोरिटी ऑफ द एनवायरमेंटल कॉस्ट आर ऑलरेडी कैप्चर्ड विद इन अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम. The difficulty lies in identifying them. बात तो सच है. इनपुट स्लैश आउटपुट एनालिसिस डिवाइड्स द मटेरियल फ्लोज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू थ्री कैटेगरीज. मटेरियल फ्लोज, सिस्टम फ्लोज एंड डिलीवरी एंड डिस्पोजल फ्लोज. हाँ ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है एकदम बेस्ट. क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इज वन एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्टेबिलिटी सॉरी सोशल सस्टेनेबिलिटी. मेक सेंस. वही देर आर अ स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी. हाँ हाँ तेरे तेरे ते पता है. यस ये मैंने ओके पहले पढ़ाया. ओके. मेरे को तो लास्ट के तीन ट्रू लग रहे हैं. मेरे को पहला वाला भी ट्रू लग रहा है. द मेजोरिटी ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट आर ऑलरेडी कैप्चर्ड विद इन अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम. द डिफिकल्टी लाइज इन आइडेंटिफाइंग देम. बराबर है ट्रू लग रहा है. है ना कि वो हिडन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भले ही वो हिडन है लेकिन वो कॉस्ट कैप्चर तो हो गया है. अच्छा लग रहा है. ऑल ट्रू. ओ भाई दो फॉल्स. मैंने लास्ट पहने फॉल्स एक मिनट आ ये वाला मैंने पहले पढ़ा हुआ है. तूने बोला ये वाला ये तो ऑब्वियसली मैंने बोला. तो यही दोनों गलती है. स्टेटमेंट टू रिक्वेस्ट लो कॉस्ट अकाउंटिंग. मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था ये मैंने बराबर डेफिनेशन का बोला है ना. दैट मेरे को लगा कि हाँ आउटपुट इनपुट आउटपुट का ही था वो. मटेरियल फ्लोज सिस्टम फ्लोज फ्लोज
फ्लोज, अरे भाई फ्लोज फ्लोज. लिखा हुआ है वहां पे। आगे हाँ स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स एंड इज वन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर द मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस बिकॉज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लीड टू डिफरेंट इम्पैक्ट. समझे नहीं मेरे को, बट मैंने केपीआई वाला किधर तो पढ़ा था भाई, वो सस्टेनेबिलिटी के इसमें था शायद. तेरी गलती तो समझ में भी आती कि चल ठीक है, बड़ी मुश्किल थी ये तो। क्या ही भाई, तेरी गलती तो क्या, फ्लो लिखा हुआ है सामने से उधर ऊपर ही। छोड़, ये वाला नहीं समझ में आया। देयर आर स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लीडिंग टू सस्टेनेबिलिटी फॉल्स, व्हाई? बिकॉज वन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, ये वन ऑफ द डिफिकल्टीज है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। Difficult to compare the metrics of different businesses because different industries may have different impacts. शायद एक एनवायरमेंटल का डिस्पोज करने से या एक चीज को रिसाइकल या वेस्ट करने से अलग अलग इंडस्ट्री पे अलग अलग असर पड़ता है, वैसा रहेगा। आगे रहेगा बढ़ कुछ जाते हैं। मैच द स्टेजेस रिक्वायर्ड टू करेक्ट स्टेप नंबर टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस व्हेन यूजिंग ऑपरेटिंग टारगेट कॉस्टिंग। ये अपन ने किया हुआ है पहले, ठीक हाँ. है? ये अपन ने बहुत गंदा वाला खागा था पहले, मुझे याद है। यस, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये तो कंफर्म वन है भाई. कॉस्ट द प्रोडक्ट डिटरमाइन द प्रॉफिट मार्जिन, यूज द फंक्शन आइडेंटिफाई द कॉस्ट गैप. आई गेस ये ऐसा है क्या? क्या नहीं, हटा, प्रॉफिट को हटा पहले। वन बराबर था तेरा, वन बराबर था शायद, मैं इधर बन रहा हूँ। वन ये फोर्थ स्टेप था जितना मेरे को याद है, क्योंकि मैंने देखो बोला था ये. अच्छा, ये फोर्थ स्टेप है क्या? ठीक है, तेरे को याद है ना, तेरे को याद है ना। हाँ हाँ ठीक है, यस. अच्छा अपन टारगेट का ये कर रहे हैं ना, टारगेट कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो ये 6 स्टेप नहीं होगा। सेटिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पहले आएगा, फिर अपन मार्जिन निकालेंगे, उसके ऊपर अपने को तो वो कॉस्ट क्या कर रहे थे आएगा। अपन? क्या क्या तो वो क्या कर रहे थे अपन? वही टारगेट कॉस्टिंग का ही कर रहे थे, सेम ही क्वेश्चन है. हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये टारगेट कॉस्टिंग है। सेलिंग प्राइस पहले आती है, कॉस्ट सबसे लास्ट में आती है। हाँ, पर ये तो डेवलप तो प्रोडक्ट तो आएगा ही. एक मिनट रुक जा, ये सेकंड बोल रहे तू? हाँ ये सेकेंड, हाँ ये थर्ड, नहीं, हाँ डिटरमाइन द प्रॉफिट मार्जिन, ये थर्ड। ये तू श्योर है क्या फोर्थ. फंक्शनल एनालिसिस को लेके, फंक्शनल वैल्यू एनालिसिस को आई गेस लेके? फोर्थ ही है. हाँ आई गेस आ गया ना उधर ही बीच में, उधर ही मेरा प्रॉब्लम गया है। ये फोर्थ करने का देखो. मैं फोर्थ इसको कर देता हूँ, मैं फिफ्थ आइडेंटिफाई कॉस्ट गैप कर देता हूँ, मैं फंक्शनल एनालिसिस को लास्ट रखता हूँ। ओ शिट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स. मैं कॉस्ट को ही, हाँ ठीक है, कॉस्ट को लास्ट में भी मेक सेंस। चल आ जा, रुक अरे भाई क्या हो गया? जा, आ जा। डेवलप द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ओ स्टेप वन, शिट, नहीं बराबर है, डेवलप द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेप वन, नहीं फोर्थ स्टेप सेट द नहीं है सेलिंग, वो. मैं बोला सेट द सेलिंग प्राइस बराबर था मेरा, डिटरमाइन प्रॉफिट मार्जिन, आई एम गेटिंग क्लोज, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेट्स गो, फिफ्थ आइडेंटिफाई द कॉस्ट गैप, लेट्स गो, लेट्स गो। लास्ट टाइम भी मैंने यही लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था शायद. बहुत देर भाई, क्या ही नेल भाई, क्या ही विन।
मेरे को पता था, मेरे को ऐसा लगा था कि लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा किया था ना, मेरे को ऐसा लगा था कि यूज ऑफ फंक्शन एंड मैनेजिंग तरीके ये सबसे लास्ट में आएगी, ये सबसे फालतू चीज है, इसका कोई यूज नहीं है। मेरे को पता था कि देख आइडेंटिफाई कॉस्ट गैप, वो तो कॉस्ट गैप तू एक्चुअल निकालता कैसे है, एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो वो तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। के बाद ही आएगी। ओके बराबर बराबर। दो हाँ लेट्स गो, ठीक है रब कर देता हूँ। बार किया ये क्वेश्चन, तभी भी हक दिया मैंने कोई तो। ना कोई ना, अरे मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए जो मैंने 5 बार किए फिर भी मैं हक देता था। इट्स ओके okay. लास्ट के 3 क्वेश्चन है, सब यस है। बजट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चरर्स 4 प्रोडक्ट्स इज एज फॉलोज। ओ भाई, ओनली ओनली 750 650 मशीन मशीन आर आर अवेलेबल। अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। हाउ मेनी यूनिट्स पर प्रोडक्ट बी शुड बी मेड इफ कंपनी प्रोड्यूसेस आउटपुट टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट एंड प्रॉफिट। तो पहले मैं थ्रूपुट निकाल लेता हूँ, मेरे लिए थ्रूपुट मेरे लिए जो आता है सेलिंग सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट, 9 11 9 9। ओ भाई माइनस किया मैंने सबको, अब सबसे पहले अब थ्रूपुट डिवाइड बाय, हाँ ये मेरे को रिटर्न्स का फॉर्मूला लगाना है, तो रिटर्न इज इक्वल टू थ्रूपुट पर यूनिट अपॉन बॉटलनेक टाइम विच इज ये 0.1 0.2 0.3 एंड 0.2। प्रोडक्ट कौन से, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वर्किंग नोट में, सो 9 11 9 9, यहाँ पे क्या आता है 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2, ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे यूनिट्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स में मैं मल्टीप्लाई करूंगा राइट, तो मैं सबसे हाईएस्ट जो रैंक में आएगा उसको मैं सबसे पहले प्रोड्यूस करूंगा। 500 2000 1000 क्या कर रहा है? अच्छा रैंकिंग कर रहा हूँ रे फिलहाल, तो रैंकिंग में सबसे लास्ट रैंक बी को जाता है, वो तो बी को जाना ही था, तो ये किया है ना अपन ने, ये वाला भी ये क्या बात कर रहा है, ये मेरे को याद नहीं है। तो क्लासरूम में हुआ है शायद, क्लासरूम में किया था क्या, तो आई बता दे गेस। जरा फिर ये कैसे करना था, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। Only 750 machines are available during the period applying the principles of throughput accounting. How many units of product B should be made if company produces output to maximum throughput and profit? रैंकिंग किया है वो बराबर किया। बता सॉल्यूशन बता। अच्छा वैसा इधर ये वाला बोल रहा नहीं है नहीं नहीं, ये तेरा ही तेरा ही। मेरा मेरा ना, ये देख ले, ठीक थ्रूपुट है हाँ, टाइम है, तो ये मेरा आ गया वो रिटर्न वाला, तो ये मेरे यूनिट्स थे, ठीक मैं इसको मल्टीप्लाई किया यूनिट्स के साथ, मेरे ये आंसर आया, फिर मेरे को रैंकिंग किया, फिर मैंने तो 1423 आया, तो मेरे को नहीं आई फोर गेस। हाँ नीचे आ रहा है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है कुछ, ऐसा हो गया। बता क्या कुछ आइडिया रहेगा तो बता।
सॉल्यूशन बता। नहीं तेरा वाला, थ्रूपुट बराबर निकाला ना। हाँ, वो बराबर है, आई गेस बराबर है 90 फिर यूनिट्स के साथ करके। यस 1423। बी तो सबसे लास्ट में भरेंगे ना, बी वाला ही पूछा है ना। हाँ बी सबसे लास्ट में गए तो उसके तो फिर यही नहीं बच रहा, फिर कोई वक्त नहीं बच रहा है, टाइम ही नहीं बच रहा है। प्रॉफिट पूछा है ना वो लोग ने, कितना यूनिट्स बनाएंगे वो पूछा है। ठीक देख क्वेश्चन में। प्रॉफिट तो पूछा है बट टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट एंड प्रॉफिट, राउंड दे। क्या आएगा तेरे हिसाब से, तू बता। ओनली 750 मशीन आवर्स अवेलेबल बोला है ना वो लोग ने। हाँ ना, 0 यूनिट्स। नहीं तो जीरो आएगा क्या सच में? पता नहीं यार, मैं वही सोच रहा हूँ कैसे होगा। मैं तो नहीं पता, मैं आंसर देख रहा हूँ। 500 यूनिट्स है आंसर। तो उन्होंने भी थ्रूपुट निकाला 9.11.99, मशीनर्स बराबर पर किया, यहाँ तक बराबर आया। अच्छा, इन्होंने इधर ही रैंक कर रैंक दिया, क्या? उन्होंने इधर ही पूरी की पूरी रैंकिंग कर दी। 1243। ये वही इसमें क्यों इधर किया? तो मैं समझ में नहीं आ रहा ना। अगर तू फिर अगर मैं इस चीज को समझ यहां पर ही रैंक कर देता ना, फिर तो मेरा आंसर बराबर ही था, हाँ वही, लाइक 1 2 3 4। फिर मैं 2 करके 500 के 500 प्रोडक्ट्स मतलब बना भी देता। और तुझे पता है कि 0 आंसर तो नहीं होगा कभी भी यूनिट्स में। तो हाँ इट्स वही। ओके, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। एबीसी इज फेल्ट टू गिव अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट कॉस्ट देन क्लासिक अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग With overheads absorbed on a labor hours, in which if which of the following two apply, labor cost are relatively क्या minor proportion of total cost. Overheads vary with many different measures of activity. Overheads are difficult to predict. Cost drivers are difficult to identify. देख, लेबर कॉस्ट रिलेटेड माइनर प्रपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, वो तो गलत है कि ABC नहीं, तेरे को कुछ और लगता है। is felt to give a more useful product cost than classic absorption costing. मतलब ABC बेटर है वो बताना है ना। हाँ तो लास्ट वाला तो पॉइंट हट गया। Overheads vary with many different measures of activity. वो एक पॉइंट आना चाहिए, वो आना चाहिए। बराबर है। ओवरहेड्स आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, नो। तो ए एंड बी लग रहा है ना। मेरे को बी और सी लग रहा है। ओवरहेड्स आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट लेबर कॉस्ट आर रिलेटिवली माइनर प्रपोर्शन ऑफ द टॉप द हियर
टोटल कॉस्ट, लेबर माइनर माइनर थोड़े रहता है लेबर कॉस्ट। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तू ये बोल रहा है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि डी तो है, डी बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बचा बराबर, माइनर तो नहीं रहता, तो बी और सी। बी और सी बचा। लेबर कॉस्ट नहीं रहे, अरे तू बराबर था। गॉन योर ओन वे। ओवरहेड्स आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एंड कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई आर नॉट रीजंस टू प्रेफर एबीसी। हाँ दे आर नॉट बराबर यार, ऐसे वो रीजन पूछे गए थे ना आप अपने को, तो अपने समझ, अपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा ना अच्छे से। हाँ कॉस्ट एंड एक्चुअली तूने पढ़ा था बट मैंने मैंने रॉन्ग गाइड कर दिया तेरे को, टू बी ऑनेस्ट। लास्ट वाला टारगेट कॉस्टिंग का है गैस, द मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू क्लोज द टारगेट कॉस्ट गैप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ना पड़ेगा। अ कंपनी हैज अ टारगेट मार्कअप ऑफ 25% एंड सेल्स इन टू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर द मार्केट प्राइस इज 120। द कंपनीज करंट कॉस्ट पर यूनिट और 46 फॉर और वेरिएबल कॉस्ट एंड 60 फॉर फिक्स कॉस्ट एंड इट हैज अ ओके बजटेड आउटपुट ऑफ 10,000 यूनिट्स। व्हाट इज द मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू क्लोज द टारगेट कॉस्ट गैप? टारगेट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बराबर है? और और इज इट वन दी ट्वेंटी ऑपोजिट? को मार्केट दिया नहीं मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, है 2 मिनट रुक जा, वो नहीं था शायद। तेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट स्मॉल ऑफ ना, होता था ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, एस्टिमेटेड बड़ा रहता है आई गेस। ओके okay. नहीं, एक्चुअली एस्टिमेटेड वाज नॉट द वर्ड, में होता है प्रीवियस कॉस्ट माइन, एक्चुअली ट्रेडिशनल कॉस्ट था ना शायद फॉर्मूला में, ट्रेडिशनल कॉस्ट माइनस की नहीं, बड़ा नहीं बोला था नहीं पहले मैंने, एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड ही था। चल ठीक है, तू बोल रहा था एस्टिमेटेड। अ कंपनी हैज टारगेट मार्कअप ऑफ 25% एंड सेल्स, मार्कअप तो 2500 और 125 रहेगा सेलिंग प्राइस, फिर ठीक है मार्केट प्राइस ऑफ 120 पे वो बेचता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को मेरा कॉस्ट मिल जाएगा, विच इज अभी जैसे 125, तो 25 एंड 100 इज द कॉस्ट, उन्होंने मार्कअप बोला है, बोल रहा है कि हम लोग 120 पे बेचते हैं, तो व्हाट इज द कॉस्ट, तो 96 विल बी माई कॉस्ट। अगर मेरा 96 कॉस्ट है तो कंपनीज करंट कॉस्ट पर यूनिट आर 1 आर 46 एंड 60, तो 160 वन इज द जीरो सिक्स करंट कॉस्ट माइनस एक्टिविटी कॉस्ट, तो बचा 10, तो कॉस्ट गैप तो मेरा आ गया 10 का, दैट्स बजटेड आउटपुट ऑफ 10,000 यूनिट्स, व्हाट इज द मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू क्लोज द टारगेट कॉस्ट गैप। ये समझा ही नहीं मैं, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड कैसे पूछा है? एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, उतना ही आंसर। तो मैं नहीं, 1 मिनट ना, ये तो आया कॉस्ट लिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस, एक मिनट ना, मेरा आ गया 1250 डिवाइड बाय 120, मेरा आंसर नहीं यार, मैं 1041 आ रहा है, तो ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ नहीं सुनना, 106 में कितना? 10,000 यूनिट्स बता रहा है बराबर, 106 में 10, हाँ
क्योंकि 46 प्लस 60 106 आता है, वो लोग के कॉस्ट के हिसाब से, एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से इतना यूनिट्स बना रहा है, और अपने को टारगेट कॉस्ट कितना आया, 96। 96 बराबर के हिसाब से कितना बनाएगा, 106, 10,000, 96, 96, 10,000, 106, 9056। नहीं यार, कुछ तो अलग ही आ रहा है। आंसर चेक करते हैं, चेक 46 का इसका भी नहीं आता अपने को, 12,000 आंसर है। देख मेरे को यहाँ तक मैं पहुंचा था, 96 तक मैं पहुंचा, आफ्टर दैट आई रियलाइज कि अच्छा इसके आगे मेरे को और 4 पैराग्राफ तक का स्टेप्स है। मैंने इतना टाइम लेके एक स्टेप किया। ऑफ दिस टारगेट कॉस्ट 46 इज वेरिएबल। हाँ भाई समझ में आ गया। द करंट बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट इज 6 लाख, सो इफ दे दीज आर टू बी एब्जॉर्ब 50 यूनिट, देन द मिनिमम प्रोडक्शन मस्ट बी 12,000 यूनिट्स। लोग ने फिक्स कॉस्ट के साथ डिवाइड किया क्या? नहीं, फिफ्टी उन्होंने 50 के साथ कैसे डिवाइड कर लिया? फिक्स्ड, बट अपने को फिक्स का 60 60 दिया है, तो ये लोग ने ये क्यों किया ऐसा? 96 माइनस 46 फिर 50, रिमेनिंग 50 फिक्स कॉस्ट है। ऐसा स्क्रीनशॉट लेके जरा दोस्तों में भेज देता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक ओके, है चल, अभी आज के लिए बस कर देते हैं, थोड़ा जोन आउट हो जाऊंगा यस मैं भी। चल डन, कल मिलते डन। हैं, यस यस। बाय बाय बाय।